बाद आखिरकार रानी मुखर्जी की फिल्म रिलीज हो गई और हमने देखा कि कई जर्नलिस्ट रो पड़े, क्या ये सही है? बिल्कुल, मतलब रोने का ऐसा है कि ये सिर्फ एक सीन में नहीं रो रहे थे, हर बार ऐसा लग रहा था कि आंसू पलकें जो हैं वो भीग रही हैं और साइड से आंसू गिर रहा है, क्योंकि पूरी फिल्म एक झंझोड़ देने वाली थी। एक जर्नी है एक माँ की, जिसका 5 महीने का बच्चा है, जिसका 6 साल का बेटा है, और उसको मतलब एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है एक सरकार से, एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने पति से, एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने ससुराल से। तो उसकी लड़ाइयों का जो एक लेवल है वो बहुत ही अलग अलग लेवल पे उसको लड़ना पड़ता है, और कैसे वो किस किस तरकीबें करके किस किस जर्नी से गुजरती है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी है फिल्म। तो खासकर माँ का इमोशन निभाया रानी ने, उसको आप क्या किस तरह से देखती हैं? उसके लिए तो रानी को मुझे लगता है पूरे के पूरे नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि रानी खुद माँ बन चुकी हैं। रानी हमेशा से एक समर्थ अभिनेत्री रही हैं, लेकिन यहाँ पर लगता है कि रानी ने अपने अंदर की जो बोलते हैं ना कि बियॉन्ड दी लिमिट जा कर के उस इमोशन को उन्होंने ऐसे पर्दे पे लाया कि एक सीन में भी रानी कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ी है। ऐसा लगता है कि हर सीन जो है, एक है जब वो मतलब एक इसमें जो नीना गुप्ता जी ने सुषमा स्वराज जी का, वृंदा कराज जी का एक रोल प्ले किया है, वो उनको जब शिकायत करके आती है और जब वो भीगा हुआ चावल खाती है, तो मतलब एक माइंड ब्लोइंग उनकी पूरी परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल, मैंने शायद ही कोई फिल्म ऐसी देखी है जहाँ पे पत्रकार लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, रोते हुए बाहर निकले, इमोशंस इतना बांध के रखा था फिल्म का, आप क्या कहेंगे? जिससे आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद इमोशन हो गया था एक्चुअली लास्ट, स्पेशली एट लास्ट सीन जहाँ पे मतलब कोर्ट उसको अपीलिंग कर देते हैं। स्पेशली देखिएगा, कुछ कुछ फिल्में होती है जो क्रिटिक ओरिएंटेड होती है, जो क्लासेस ओरिएंटेड होती है, जो क्लासेस लोगों को ही पसंद आएगी, और ये उनमें से एक फिल्म है। हमने अक्सर रानी मुखर्जी को देखा है कि वुमेन सेंट्रिक फिल्में करती है, मर्दानी हो गया, मर्दानी 2 हो गया, हिचकी हो गया, अभी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, तो एक ऐसा लीडिंग एक्ट्रेस है जो कि मतलब जिनमें जज्बा है, उसमें वो तो एक फेयरलेस कॉप थी, इसमें एक फेयरलेस एक्ट्रेस है, सॉरी फेयरलेस मदर है, जो अपने बच्चों को मतलब पाने के लिए जो स्ट्रगल्स उनका दिखाया। बहुत ही कम फिल्में बनती होगी जहाँ पे लोग खास करके पत्रकार की बात करें तो रोते हुए बाहर निकले। हमने कहीं ऐसे पत्रकार को देखा कि इमोशन से 3 घंटे से जुड़े थे, रानी के साथ ऐसा लग रहा था कि वो भी रो रहे थे। कईयों की जो माँ की भावना है, जो माँ के इमोशन से जो ममता है, वो देखने को मिली, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा देश ऐसा ही देश है जहाँ माँ अपने बच्चे को शेर के जबड़े से भी खींच कर लाई है, और ऐसी ट्रू इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर हम बोलें तो अभी जो शकुंतला फिल्म आ रही है, उस फिल्म में जो शकुंतला है उसने अकेले अपने बच्चे को जंगल में पाला, और जो भरत जो उसका बच्चा था वो शेर के जबड़ों को खोल कर दांत गिना करता था। तो ऐसी ऐसी बहादुर माएँ हुई हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी फिल्म बनी है मदर इंडिया, जिसमें वो अपने बेटे को ही मारती है नरगिस। तो ये जो माँ है जो हमने रानी मुखर्जी में आज इतने सालों के बाद देखी, उसमें वही मदर इंडिया वाला एलिमेंट है। और मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह की फिल्में दिखानी चाहिए, ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स को जो माँ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अक्सर फैमिली में कहा जाता है, जो बहुएँ हैं उनको कहा जाता है कि वो अच्छी माँ नहीं है, लेकिन जिस तरह से रानी मुखर्जी का एक फिल्म में डायलॉग है कि माँ सिर्फ माँ होती है, अच्छी या बुरी नहीं। फिल्म में हर कोई रानी के कैरेक्टर की बात कर रहा है, रानी ने जो भूमिका निभाई एक माँ की, बहुत ही उम्दा निभाई, आप क्या कहेंगे? मतलब जैसे हमको पता है कि जो वुमन सेंट्रिक फिल्म्स रहती है, वुमन सेंट्रिक फीमेल ओरिएंटेड, उसमें रानी मुखर्जी का मतलब कोई मुकाबला नहीं है। जैसे हम करंट एक्ट्रेस की बात करें, विद्या बालन है, रानी मुखर्जी है, और मतलब रानी मुखर्जी ने कैरेक्टर को सिर्फ निभाया नहीं है, उन्होंने मतलब वो घुस गए हैं, शी हैज़ लिव्ड द कैरेक्टर, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। और दूसरा, जैसे कि बंगाली लेडी का कैरेक्टर है मिसेस चैटर्जी, एंड रानी मुखर्जी खुद बंगाली है, तो मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने ये पार्ट को किया है। मतलब हम कह सकते हैं कि उनके लिए टेलर मेड रोल था रानी मुखर्जी के लिए।
फिल्म देखने के बाद आपको कौन सी बातें बहुत याद आती है? अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक कितना जेल खाता है फिल्म के साथ? मतलब देखिए, ये ऐसी फिल्म है ना जिसमें म्यूज़िक का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, जैसे कि कंटेंट ज़्यादा ज़रूरी था ये फिल्म के लिए। जो इमोशनल सीन्स थे, जो इमोशनल क्वेश्चन रहता है, वो ज़्यादा ज़रूरी था। और उसमें फिल्म ने मतलब काफ़ी बेहतरीन किया है और गाने भी सिचुएशन के हिसाब से बेटर है। मतलब लास्ट सीन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही इमोशनल टच कर जाता है लोगों को, आपको कितना टच कर गया? द एंटायर फिल्म वॉज बेस्ड ऑन अ वेरी इमोशनल नोट। एक माँ से उनके बच्चे को छीन लिया जाता है गवर्नमेंट से, बोला जाता है कि वो माँ पागल है या उसके बच्चे को ठीक से ध्यान से देख नहीं पा रही है, शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू बी अ गुड मदर। एंड द हस्बैंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा अपने मतलब किसी भी तरह से बस उसको सिटीजनशिप मिल जाए उसी फिराक में रहता है और उसके चलते सब कुछ होता है। एंड ऑल दैट एज वी सी मैरिजेज में यही होता है असलियत में, शादी कोई मत करना तो असलियत में यही होता है कि आई मीन द एंटायर फिल्म इज़ वेरी यू नो इट वॉज वेरी सेंटिमेंटल। सो यस, आई मीन आई लव द फिल्म। काफ़ी टाइम बाद वैसे रानी जी ने कमबैक किया है और उम्मीदों की तो बात ये करें कि जिस तरीके से उनके वैसे सब्जेक्ट आते हैं, उनकी फिल्म आती है तो हमेशा खरी ही उतरती है। इससे पहले मर्दानी वन मर्दानी टू में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये फिल्म का जिस तरीके से कहानी चैप्टर है उस पर भी उन्होंने बाखूबी काम किया है और अच्छा किरदार निभाया है। जो एक माँ की भूमिका निभाई है, आपको लगता है न्याय किया रानी ने? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने भूमिका निभाई है एक बच्चों के लिए अपने, तो उन्होंने न्याय किया है। सबसे बड़ी बात यह कि भाई वो लड़ी है अपने बच्चों के लिए, और एक माँ अपने बच्चों, एक माँ ही जान सकती है कि बच्चों का दर्द क्या होता है, क्योंकि भाई जन्म वो देती है, 9 महीने पेट में रखने के बाद में जन्म वो देती है, बच्चों किस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया जाता है। तो वो एक माँ का दर्जा उसमें दिखाया है और माँ किस तरीके से अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर गुजरती वो उसमें दिखाया है। तो माँ ने वो ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद के लिए किया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए, खुद की फैमिली है खुद से नहीं, पूरे देश से जंग लड़ ली उसमें। तो एक माँ के और माँ और अपने बच्चों के बीच का क्या प्यार और क्या एक रेस्पेक्ट होती है वो दिखाया है। फिल्म में इमोशन का भरमार था, काफ़ी लोग रोते थे सिनेमाघर से बाहर निकले, आप भी रोई? बहुत रोई मैं, मेरे साथ वाली पूरी रो रोई, मेरे पीछे और नीचे जितने भी रोज थी सब रोए और हम सारे जर्नलिस्ट बैठ के रो रहे थे। और मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी जब आप ये फिल्म देखें आप टिश्यू पेपर लेके जाइए, क्योंकि मदरली लव इतना दिखाया गया है कि आप सबको अपनी माओं की याद आने वाली है, इसलिए प्लीज़ टिश्यू लेके जाइए। और माएँ ज़रूर देखें और बच्चे ज़रूर देखें, उनको ये पता चलेगा माएँ स्पेशली दिस जनरेशन, उन्हें पता चलेगा माएँ कितना कुछ सेक्रीफाइस करती हैं उनके लिए, बच्चों के लिए। रानी की बात की जाए तो कितना न्याय किया उन्होंने इस किरदार के साथ? रानी मुखर्जी आई थिंक आउटस्टैंडिंग। मतलब रानी मुखर्जी ने ऐसी परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में पहली बार दी होगी। आई थिंक उनका मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा जाग गया है आफ्टर बीइंग अ मदर इन रियल लाइफ, एंड शी इज़ पोर्ट्रेड इट सो वेल। एंड बीइंग अ बंगाली, क्योंकि वो खुद भी बंगाली हैं और जो फिल्म में कैरेक्टर है रियल लाइफ कैरेक्टर मिसेस चैटर्जी वो भी बंगाली हैं, सो शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जस्टिस टू द रोल, शी इज़ डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब।